नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Nothing Phone 1 vs OnePlus 9 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो फोन 1 में 6.27 इंच जबकि 9 प्रो में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो फोन 1 में 2.98 इंच जबकि 9 प्रो में 2.9 इंच की विड्थ मिलती है जो कि फोन 1 से कम है। बात करें थिकनेस की तो फोन 1 में 0.33 इंच जबकि 9 प्रो में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि फोन 1 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो फोन 1 में 193.5 ग्राम जबकि 9 प्रो में 197 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो फोन 1 में OLED जबकि 9 प्रो में फ्लूइड AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो फोन 1 में 6.55 इंचेस जबकि 9 प्रो में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन फोन 1 में 1080x2400 और 9 प्रो में 1440x3216 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो फोन 1 में 85.84% जबकि 9 प्रो में 90.23% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो फोन 1 में 402 पिक्सल प्रति इंच जबकि 9 प्रो में 526 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो फोन 1 में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और 9 प्रो की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो फोन 1 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 9 प्रो की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो फोन 1 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 9 प्रो में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो फोन 1 में Adreno 642L जबकि 9 Pro में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो फोन 1 में Qualcomm Snapdragon 778G Plus और 9 Pro में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो फोन 1 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 8GB, 8GB, 12GB की RAM मिलती है जबकि 9 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 8GB, 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो फोन 1 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 256GB, 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि 9 प्रो में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो फोन 1 में एंड्रॉइड V12 जबकि 9 प्रो में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 4500mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो फोन 1 में 2 कलर्स जबकि 9 प्रो में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो फोन 1 में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 31,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 34,999 रुपीस
12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 37,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 9 Pro की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 64,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 69,990 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो नथिंग फोन 1 में 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें वन प्लस 9 प्रो की तो उसमें 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में फोन 1 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo X60 है, दूसरा Realme GT 5G है, तीसरा OnePlus 9R है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 11X Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।